कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाकर 42 साल के बस्तर से सांसद दीपक बैज को बना दिया है। दीपक बैज की नियुक्ति का सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए कहा, 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, संगठन में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रहती है और दो कार्यकाल मोहन जी का कम्प्लीट हो गया था, तो सभी प्रदेशों में बदलाव हो रहे हैं और रायपुर महाधिवेशन में पारित हुआ था 50% जो सीटें हैं वो 50 साल के कम उम्र वालों को, तो हमारे यहाँ शुरुआत हो गई। दीपक बैज जी अभी मुश्किल से उसको, अब 42 साल के नौजवान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमान सौंपा गया है, तो उन्हें बधाई शुभकामनाएं और सभी तरफ सभी कांग्रेसजनों में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में स्कूली शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेम साय मंत्री मंडल से इस्तीफा देने के बाद अपने विधानसभा इलाके में पहुंचे और आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने एक दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। स्टूडेंट्स ने भोपाल में व्यापम और इंदौर में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में स्टूडेंट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 7 दिन का वक्त देते हुए कहा, अगर इस मामले में जांच नहीं हुई तो हम 1 हफ्ते बाद छात्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। छतरपुर में नशे की हालत में एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से उलझ गया और हाथापाई कर दी। गौरतलब है कि युवक नशे की हालत में सड़क से गुजरने वाली लड़कियों पर तंज कस रहा था, जिसे देखकर पुलिस आरक्षक ने युवक को ऐसा करने से रोका, जिस पर युवक आरक्षक से उलझ गया था। पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की नौकरी मिलते ही एक प्रेमिका ने अपने पूर्व प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए उसके अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक पर जब एसपी के पास शिकायत करने पहुंचा तो उल्टे युवक ने युवती के ऊपर केस कर दिया। वहीं युवक का कहना है कि वो युवती की बहन की शॉपिंग का खर्च भी उठाया करता था। यहां तक कि आरक्षक बनने के बाद भी उसने अपनी प्रेमिका को स्कूटी खरीदने के लिए 53,000 रुपए दिए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झीमा झपटी भी हो गई। ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला, उसके बाद दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को दंपत्ति के शव घर में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले थे। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दंपत्ति ने काफी कर्ज होने की बात कही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं कहीं तेज बारिश होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है।